वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इस टाइटल से आपको क्या लगता है? कंट्री की हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करती है? लोगों के पास कितने घर, लग्जरियस कार, एक्सपेंसिव मटेरियलिस्टिक चीजें हैं? क्या ये सब होने से कोई भी कंट्री को हैप्पी कहा जा सकता है? कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब हाँ हो सकता है और किसी का ना भी हो सकता है। हैप्पीनेस एक ऐसी फीलिंग है जिसपे कोई एक जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है। किसी को लग्जरियस लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है और कुछ लोग सिंपल सीधी लाइफ में भी हैप्पी रहते हैं। और कंट्री की हैप्पीनेस मोस्टली उस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कंट्री के सिटीजंस कितने हैप्पी हैं। जैसे लोगों को अपनी कंट्री में बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें इजीली मिलनी चाहिए, क्राइम फ्री होनी चाहिए, जरूरत की चीजें चीप प्राइस में होनी चाहिए, मतलब लोग आराम से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। स्पेशली कंट्री की गवर्नमेंट खुद से पहले कंट्री के बारे में और उसके सिटीजंस के बारे में सोचे तो वो एक हैप्पी कंट्री हो सकती है। क्या आप जानते हैं ऐसी कोई हैप्पी कंट्री, या फिर आप ऐसी कोई कंट्री में रहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। पर ये जो हमारे वीडियो का टॉपिक है द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, तो ये कौन सी कंट्री है और ये वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्री होने की क्या वजह है वो जानते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। चलिए कंट्री का नाम गैस करने के लिए हिंट देती हूँ। ये स्मॉल माउंटेनियस कंट्री है जो इंडिया, तिब्बत और चाइना के पास में है। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। साउथ एशिया की भूटान कंट्री वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्री जानी जाती है और काफी सालों से ये कंट्री वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंसिडर की जा रही है। लेकिन ये हैप्पीएस्ट क्यों है? क्या यहाँ के लोग बहुत रिच है या फिर कंट्री में कोई अनमोल खजाना छुपा है? हर बार हैप्पीनेस की वजह पैसा नहीं होती है, और भूटान में ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर बुद्धिस्ट लोगों का पॉपुलेशन है जिनका जिंदगी जीने का तरीका काफी सिंपल है। लेकिन यहाँ का नेचर काफी ब्यूटीफुल और पीसफुल है। देखा जाए तो आजकल वर्ल्ड में पीसफुल प्लेसेस बहुत कम बची है, नहीं तो सब कंट्रीज में इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नॉइस पॉल्यूशन ज्यादा और शांति कम मिलती है। पर सालों पहले भूटान कंट्री ने ग्लोबलाइजेशन अवॉइड किया। ये कंट्री के लोग किसी के साथ कम्पीट नहीं करते हैं, वो अपने ही सोसाइटी में हैप्पी रहते हैं। जहां बहुत सी कंट्रीज टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज्ड हो रही हैं, वहां भूटान में 1960 तक टेलीफोन, रोड्स और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं थी। 1960 के बाद इस कंट्री ने डेवलपमेंट में ध्यान दिया, लेकिन दुनिया के साथ रैपिड कंपटीशन करने के बदले साइंग वेंचुक ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH इन्वेंट किया कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। अब ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, किससे मेजर किया जाता है? तो GNH का मेजर 4 पिलर्स पे डिपेंड करता है: गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चर और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कंट्री का हैप्पीनेस गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम GDP का मेजर राइजिंग इनकम से कर सकते हैं, वैसे भूटान में GNH का मेजर स्पिरिचुअल ग्रोथ से होता है, यानी लोग अपने कंट्री के कल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भूटान में स्कूल के बच्चों को GNH की पॉलिसी सिखाई जाती है ताकि बचपन से ही बच्चे GNH के सारे 4 पिलर्स प्रॉपरली सीख ले। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं भूटान के बारे में जानने की, जो शायद किसी और कंट्रीज में नहीं होगी। ईयर 1980 में किंग वेंचुक ने पॉलिसी स्टार्ट की थी, और ये पॉलिसी जिस कंट्री में कास्ट पर से लड़ाई झगड़ा करते हैं उन्हें स्पेशली शुरू करनी चाहिए। तो किंग वेंचुक ने वन नेशन वन पीपल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें भूटानीज लोगों को सेम ड्रेस पहनते थे और सेम लैंग्वेज बोलनी थी। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी पॉलिसी है जिससे लोगों में इक्वालिटी बनी रहे। उसके बाद ईयर 1919 में भूटानीज रेसिडेंट्स के पास टेलीविजन और सेलफोन्स का एक्सेस आया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्राइम, डिवोर्स, स्कूल ड्रॉप आउट ऐसा सब केसेस ज्यादा इंक्रीज हो गए, और जिसके पास कार होती थी उन लोग के लिए कार होना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। मतलब भूटान के लोग सिंपल सीधे रहते थे, पर टेक्नोलॉजी की वजह से काफी चेंजेस आ गए उनकी लाइफ में। प्रेजेंट टाइम में भूटान का डेवलपिंग इकोनॉमी सिर्फ $2 मिलियन है, और अभी भी काफी लोग फार्मिंग करके पैसा करते हैं। लोगों का रोज का जीना फार्मिंग पे डिपेंड करता है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत पॉवर्टी है। लेकिन रीसेंट ग्रॉस हैप्पीएस्ट नेशन सर्वे में पता चला है कि अभी भी 90% भूटानीज लोग खुद को हैप्पी मानते हैं। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है कि लोग गरीब होने के बावजूद भी हैप्पी रहते हैं। क्या आपको वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री में रहना अच्छा लगेगा, जहाँ पे लग्जरियस लाइफ नहीं है लेकिन पीसफुल एनवायरनमेंट है जो बहुत कम कहीं मिलता है? बिजी लाइफ से कुछ दिन रिलैक्स करना हो तो यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।